हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो इसी में हम लोग देखेंगे और आगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में दो अदर क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दैट इज़ आपका पहला रेडियन। रेडियन का उपयोग हम लोग ना किसी भी एंगल को नापने के लिए करते हैं, जैसे कि ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, तो इस एंगल को हम लोग नापने के लिए क्या रेडियन का उपयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया बहुत स्मॉल लेंथ, हम लोग यहाँ पे लेंगे ds। ये आपका हो गया r रेडियस, और ये आपका हो गया एंगल d थीटा। तो यहाँ पे हम लोग जो रेडियन होता है उसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी एंगल को जानने के लिए करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका d थीटा इक्वल टू ds बाय r। और इसके बाद आपका एक और होता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं स्टे रेडियन। स्टे रेडियन क्या होता है? सॉलिड एंगल। इसमें हम लोग एंगल को नापते हैं और इसमें हम लोग सॉलिड एंगल को नापते हैं। तो ये आपका कैसा होता है? सपोज इसमें हम लोग को एंगल अगर नापना है, तो इसका इसमें हम लोग स्टे रेडियन का उपयोग करते हैं, इसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एरिया, तो इसे हम लोग डी एरिया ले लेंगे। और यहाँ पे एंगल हो गया आपका डी पाई, और ये आपका हो गया रेडियस। तो यहाँ पे डी पाई जो होगा वो आपका सॉलिड एंगल होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डी पाई इक्वल टू डी ए वाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपके 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, और उसके अलावा होते हैं 2 अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज होता है इसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने जाना था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जो किसी चीज़ में हम लोग नापते हैं तो उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया था कि हम लोग जब बाजार जाते हैं सब्जी लेने, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 केजी सब्जी दे दीजिए। वैसे ही जो केजी हो गया वो आपका यूनिट हो गया। तो यूनिट क्या हो गया? फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड सम रेफरेंसेस स्टैंडर्ड। द रेफरेंसेस स्टैंडर्ड आर नोन एज यूनिट। जैसे कि केजी जो हो गया वो हम लोग रेफरेंस लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं कि किसी फिजिकल चीज़ को नापने के लिए। तो केजी क्या हो गया आपका? यूनिट। तो इसका मैं एग्जाम्पल हो जाएगा आपका केजी, लेंथ के लिए मीटर। इट्स यूनिट जो आपके होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसके टाइप हो जाएंगे आपका फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स। तो अब हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट होता क्या है और डिराइव यूनिट क्या होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट में आपका आ जाएगा फंडामेंटल यूनिट, बेसिक, इसे हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं। तो बेसिक यूनिट द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज और कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। मीन्स जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, उसको हम लोग नापने के लिए जिस यूनिट का उपयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मीटर, केजी, सेकेंड। तो मीटर यानी लेंथ को नापने के लिए हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं, मास को नापने के लिए केजी का, टाइम को नापने के लिए हम लोग सेकेंड का उपयोग करते हैं। फिर आपका आ जाता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। मीन्स यहाँ से जो डिराइव होता है जो जो यूनिट उसे हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटर पर सेकेंड। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक मीटर इस्तेमाल हुआ है, इसमें सेकेंड इस्तेमाल हुआ है, तो ये कहाँ से डिराइव हो रहा है? फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो रहा है। तो मीटर पर सेकेंड जो आपका है यूनिट ऑफ स्पीड है, सेकेंड आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव। फंडामेंटल
फंडामेंटल क्वांटिटीज में वैसी क्वांटिटीज होती है जो सेपरेटली एक्सप्रेस हो सकती है, और सेकेंड थिंग हो जाता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में होता है आपका कि जो क्वांटिटीज डिराइव होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, सेम इसी प्रकार होता है फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। जो यूनिट आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करती है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और फिर वैसी यूनिट जो डिराइव होती है फंडामेंटल यूनिट से उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। इन अर्लियर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज द साइंटिस्ट वे यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमारा पहला है CGS यूनिट। तो ये क्या होता है, सी जो होता है वो होता है उसका मतलब सेंटीमीटर। इसको हम लोग लेंथ को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकेंड आपका हो जाता है जी फॉर ग्राम। तो ग्राम से हम लोग क्या नापते हैं, वेट मास। और फिर थर्ड है आपका एस फॉर सेकेंड। तो सेकेंड से हम लोग क्या नापते थे, टाइम। लेकिन ये जो यूनिट है ना ये बहुत छोटा यूनिट है, इसे हम लोग नापने में ना बहुत परेशानी होती थी, इसके कारण ना फिर फ्रेंच साइंटिस्टों ने एक अलग यूनिट बनाया इससे थोड़ा बड़ा यूनिट। तो आपका सेकेंड यूनिट जो है वो है MKS यूनिट। तो MKS यूनिट जो है वो फ्रेंच के साइंटिस्ट ने बनाया था। तो M फोर क्या हो जाएगा, तो यहां पे M हो जाएगा आपका मीटर। मीटर से हम लोग लेंथ को नापते हैं। सेकेंड आपका हो जाएगा K से KG। किलोग्राम में हम लोग मास को नापते हैं। और थर्ड आपका है सेकेंड, S फोर आपका हो जाएगा सेकेंड। इससे हम लोग टाइम को नापते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग टाइप के CGS यूनिट होते हैं, पहला CGS यूनिट, MKS यूनिट। नेक्स्ट हमारा यूनिट है FPS। तो FPS क्या होता है, FPS का मतलब होता है F फॉर फुट। अगेन जो फुट होता है वो लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर P फॉर होता है पाउंड, और S फॉर सेकेंड। तो ये आपका वेट नापने के लिए होता है, और ये आपका सेकेंड टाइम नापने के लिए। फिर इसके बाद जो आया ना, ये सब में ना बहुत सारी दिक्कत हो रहा था, अलग अलग टाइप के एसआई यूनिट थे, सॉरी अलग अलग टाइप के यूनिट थे। तो इसके बाद ना फिर एसआई यूनिट आया। एसआई यूनिट क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो पूरा दुनिया का साइंटिस्ट लोग एक जगह बैठा, फिर उसके बाद ना इंटरनेशनल ग्रुप मिल करके एसआई यूनिट बनाया। तो एसआई यूनिट ये होता क्या, सिस्टम्स इंटरनेशनल। तो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलकर एसआई यूनिट बनाया। ये जो है ना एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस है, यानी कि मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। तो एसआई यूनिट आजकल जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है और उनको मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग एसआई यूनिट में नापते हैं। एसआई यूनिट वॉज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाई जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट इन 1970 फॉर इंटरनेशनल यूजेस। मतलब इंटरनेशनल यूज के लिए ना एसआई यूनिट को लाया गया था। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि साइंटिस्टों द्वारा ये कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसके बाद एसआई यूनिट को प्रपोज किया गया। तो अभी के टाइम में सारी जगह एसआई यूनिट ही इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसमें हम लोग का एक मेथड आता है, पैरेलेक्स मेथड। तो पैरेलेक्स मेथड होता क्या है, तो इट इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग लार्ज डिस्टेंस लाइक डिस्टेंस ऑफ सन, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। इसका यूज़ हम लोग करते हैं धरती से अदर स्टार्स, सन और अदर प्लैनेट्स को नापने के लिए। जो डिस्टेंस है ना धरती का बीच का अदर प्लैनेट से और स्टार्स से, सन से, तो उस डिस्टेंस को हम लोग नापने के लिए पैरेलेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई प्लैनेट है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये दो डिस्टेंस लेते हैं,
ये आपका हो गया बेस, और आपका ये डिस्टेंस हो गया प्लैनेट से, और ये आपका हो गया एंगल। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट का जो लेंथ होता है, प्लैनेट का जो दूरी होता है धरती से, उसे नापने के लिए हम लोग पैरालैक्स मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें अभी हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। लेट एस इज द प्लैनेट एंड कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ एट लार्ज डिस्टेंस एंड थीटा इज द एंगल एट एस। इसके पास थीटा एक एंगल है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। गाइस यहां पे ध्यान देंगे कि एस ए जो है उसका डिस्टेंस बी एस और दोनों बराबर है, और ये जो हो गया ए बी इसका डिस्टेंस है बी बेस। तो नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए एस एंड बी एस, ए एस एंड बी एस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, ये जो आपका है वो बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज है। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा बड़ा है इसके कंपेयर में, तो इसके पास यहाँ आ जाएगा आपका, इसलिए जब क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसके कंपेयर में, तो जो थीटा हो जाएगा वो आपका थीटा हो जाएगा, इसलिए थीटा विल बी वेरी थीटा विल बी वेरी स्मॉल एंड वी कैन से एस बराबर बी एस। रेडियस ऑफ एनी सर्कल, और यहां पे फिर आपका हो जाएगा ये जो ए बी है, ए बी बराबर आपका हो जाएगा बी आर्क ऑफ लेंथ। तो यहां पे फिर हम लोग देखेंगे वी हैव थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस। हम लोग कह सकते हैं कि वी बाई डी, डी आपका हो जाता है हो रहा है यहाँ पे रेडियस, और फिर आपका डी बराबर क्या हो जाएगा बी बाई थीटा। तो इस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो कोई भी प्लेनेट या सन या स्टार किसी का भी जो दूरी होता है अर्थ से, हम लोग इस प्रकार निकालते हैं, और ये आपका फॉर्मूला है। फिर इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2.1। इसमें क्या करना है कि आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री, उसको हम लोग को रेडियन में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका रेडियन में करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम लोग रेडियन में करना रहता है, तो पाई बाय 180 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 180 इंटू में 1, तो ये आपका हो जाएगा 1.745 इंटू 10^-2 रेडियन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका मिनट, 1 मिनट दिया हुआ है, जब सिंगल ऊपर में रहता है, जैसे कि ये सिंगल रहा तो ये मिनट होता है,
इसको करना है तो क्या, पहले इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से डिवाइड देंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक डी, अब इसको मिनट में, सॉरी इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 इंटू पाई बाई 180, तो इसका हो जाएगा 180 इंटू 60, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.908 इंटू 10^-4 रेडियन। सी आपका है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले मिनट में कन्वर्ट करें, फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करें घंटा में, तब इसका हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.85 इंटू 10^-6 रेडियन। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक डिग्री को रेडियन में, या एक मिनट को रेडियन में, या तो फिर एक सेकेंड को रेडियन।